press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपको यहाँ जो मस्ती हो रही थी उससे पता नहीं चला क्या बॉन्ड है। हम कुछ बोलने लायक नहीं रहे, हमने दिखाया ये बॉन्ड उस लेवल तक पहुँच गया जैसे हमने कहा कि यहाँ पर टेलीपैथी हो चुकी है इन दोनों के बीच, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देख लेते हैं पता चल जाता है कि हम क्या कह रहे हैं। एग्जैक्टली आंखों आंखों पे बात होती है कि हम अभी एक दूसरे के मन की बात जाने लगे हैं सेट पे। अच्छा बहुत कम टाइम मिलता है जब आप लोग सब साथ में शूट करते हो, कोई टाइम मिलता है धरती लोग और स्वर्ग लोग की बात है जब साथ में शूट करते हो, तो मतलब कोई एक मेमोरी अगर आप लोग शेयर करना चाहें जिसमें सब साथ में बैठे हों या फिर साथ में शूट करें। अब तो शुरू हो गया क्योंकि अब तक नहीं मिलते थे, अब हम साथ में सब साथ साथ हैं क्योंकि तीनों जो देवियां हैं अभी ये छोटी वैष्णवी को हम शिक्षा देने आते हैं, तो इसलिए हम सब एक ही साथ महल में आए हैं, तो एक साथ शूट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले इतना इंटरेक्शन नहीं होता था क्योंकि हम यहाँ शूट करते थे वो वहाँ शूट करते थे, बट अब मेरा इंटरेक्शन रहता था सबसे। हाँ, इन दोनों में हमारे महिपाल जी जो हमेशा हमारे सर पर मिलने आते थे, बाकी हमारे जो वैष्णवी के मम्मी पापा हैं हमेशा बड़े बिजी होते हैं। थोड़ा शर्मीले अभी क्या है ना, थोड़ा शर्मीले ये लोग ऊपर रहते हैं इसलिए हमने बार बार ना जाना पड़े इनको नीचे बुला दिया। मैं एक चीज कहूंगी, माई शो हमेशा हम तीनों देवियों से मिलने आती थी, चाहे कहीं भी शूट करे। जब मेरा दुर्गा का लुक हो रहा था इन्होंने मेरा मेकअप भी किया था। That's so sweet. बहुत बहुत वो है, और आते ही ये हुआ है वो हुआ है, ये गेम चल रहा है वो गेम चल रहा है, लोग की सारी खबर लग रही है स्वर्ग में सब। और हमें स्वर्ग का कुछ नहीं पता लगता था ना क्योंकि हम तो धरती पे थे, हमें धरती का फाइनली हम लोगों ने स्वर्ग से धरती में उड़ाई लिया कि कम से कम यहाँ वहाँ जाना ना पड़े सामने पड़ रहा है क्या हो क्या रहा है। सो शिकायतें ये है कि आपके यहाँ से हमारे पास मिलने आ जाते थे, पर हमारे यहाँ से हम तीनों देवियों से कोई नहीं जाता था मिलने। वैसे भी ये लोग तो देवियाँ है ना, धरती वालों से मिलकर गायब हो जाती है, अब हम तीनों देवियाँ नीचे धरती पर। अब ऐसे ही मिलना मिलाना होता रहेगा, अब 100 के बाद भी ऐसे केक कटते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। अच्छा ड्यूरिंग द शो कैसा फीडबैक आप लोगों को मिला, कभी आप लोग बाहर घूमते हो या फिर कहीं जाते हो तो कैसे फैंस के कैसे रिएक्शन आप लोगों को मिले हैं, अगर आप हमसे शेयर करना चाहे तो जल्दी जल्दी बोलिए। इसके लिए हम लक्ष्मी जी पे छोड़ते हैं, लक्ष्मी जी हमारी तरह से लक्ष्मी जी आइए, लक्ष्मी जी बाहर के लिए
आइए बताइए फैंस की रिएक्शन सबसे ज्यादा है इनको ये बताएंगे कैसे हाँ बता भी नहीं रास्ते में बोलिए ये क्या एक्सप्रेशन है सो फैंस ये कह रहे थे कि ऋषिकेश जो है जो वैष्णवी के पापा बने हुए हैं इन इनका काम सबसे ज्यादा सबको पसंद आता है इनफैक्ट मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि मुझे ऋषिकेश जब अपने बच्ची से इंटरेक्ट करता है तो वो मुझे फील होता है कि हाँ उसकी आंखों में वो भाव है तो मेरे घर पे ही आपके फैन है घर पे ही हमें रिएक्शन मिल गया बाकी बाहर जाने का इतना तो मुझे और हमारी बिल्डिंग के जो लोग हैं जो देख रहे हैं विच इज अ प्लेजेंट सरप्राइज तो हमारी बिल्डिंग के लोगों ने भी बोला है कि हमारा शो फॉलो करते हैं अभी इनफैक्ट सुबह सुबह जम्मू से ऑल द वे फ्रॉम जम्मू कुछ बच्चे आए थे जो कुछ 250 के आसपास बच्चे आए थे एक घंटा यहाँ रहे हैं हमने इंटरेक्ट किया उनके साथ में दे वांटेड फोटोग्राफ्स विद एवरीबॉडी सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दे वाचिंग द शो एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द शो एंड दे आर फॉलोइंग जैसा नॉर्थ का भी है जैसे मार्केट जब आप यू नो लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम देयर सो दे आर आल्सो वाचिंग एंड द फैमिली इज वाचिंग एप्रिशिएटिंग एंड ऑल दैट एंड दे आर लाइकिंग ऑल द कैरेक्टर्स द केमिस्ट्री सो दैट इज ऑफ कोर्स शोइंग एंड दैट इज शोइंग हियर आल्सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट एपिसोड से लेकर 100 एपिसोड में मायशा में कितने चेंजेस आए हैं आप लोग अगर बताना चाहें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं सबसे ज़्यादा तो ये इनके मम्मी पापा बता सकते हैं क्योंकि मायशा के जो सीन्स होते हैं मोस्टली इनके साथ होते हैं अभी हमारे साथ हमारी बेटी पढ़ रही है तो हम वो बता सकते हैं पिताश्री और माताश्री सबसे पहले तो फर्स्ट एपिसोड में क्या बोलते थे पिताश्री शी यूज्ड टू बी ऑलवेज लाइक दैट आएगी पिताश्री वेरी क्यूट सो अभी चेंजेस बहुत हैं और अभी तो लाइंस भी आप जैसा देखते हैं कितनी लाइंस रहती है इनकी ज़्यादा समझने लगी है कि शूट का माहौल और सब कुछ और जो इसे पॉम्पिंग होती है वो इमिडिएटली अभी इसको समझ में आ गया उसको कैसे बोलना है तो शुरू में थोड़ा सा बिकॉज लैंग्वेज वैसी है डिफ़िकल्ट है इसके लिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता था पर अब ये कैच कर लेती है हर वर्ड तो कई कई बार हमें भी नहीं समझ में आता कि क्या प्रॉम्पिंग हुई पर इसे समझ में आ जाता है क्योंकि पढ़ के आती है और अभी तो ये कई बार आप ये नोटिस करेंगे कि ये खुद माता रानी ही जैसे बिहेव भी करने लगती है हमारे सामने कभी खड़ी है कोई सीन ऐसा बड़ा इमोशनल आया तो सडनली शी सेड दैट लास्टली आप लोगों का वो लाइन जो आप लोग इससे पहले रिपीट कर रहे थे अगर बोला जाए तो कहानी माता रानी की 9:30 बजे रात तार भारत पे मंडे टू संडे सब मंगल है जय माता दी सारे बोलो जय माता दी थैंक यू सो मच थैंक यू